हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपल डिलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। पोहा बनाएंगे, वो भी महाराष्ट्रियन रेसिपी। एक ये है कांदा पोहा, जिसको कांदे को प्याज बोलते हैं, तो बस वही महाराष्ट्रियन कांदा पोहा हम यहाँ पे बनाएंगे। बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में। आप लोग भी एक बार जब बनाएंगे और खाएंगे ना, तो आपका मन करेगा कि हर दिन, हर दूसरे दिन आप इसको बना के खाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़िया सा कांदा पोहा बनाते हैं। तो यहाँ पे जो कांदा पोहा हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये हमें जो स्टेप करना है, तो ये पोहा हम लेंगे, इसको दो तीन बार वॉश करके, और इस तरह से किसी भी छन्नी में, या इसकी जगह आपके पास इस तरह की छन्नी हो या कोई और भी हो, जो जालीदार अगर कोई बर्तन हो तो उसमें इस तरह से हम रख देंगे, ताकि दो मिनट के लिए हल्का सा ये, बस इसको धुला हुआ है हमने, तो बस दो मिनट के लिए एज इट इज हमें रखना है। और तब तक हम इधर कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गर्म करेंगे, और बहुत ज्यादा इसमें ऑयल की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा बस रिफाइंड ऑयल डाल के ये जीरा हम इसमें डालेंगे, और साथ ही साथ इसमें राई भी डाल देंगे, और इनको हल्का सा पहले हम थोड़ा सा, जब ये चटकना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसी के साथ में यहाँ पे ये मूंगफली के दाने जो हमने लिए हुए हैं, ये हम इसमें डालेंगे, और दो मिनट के लिए थोड़ा सा दानों को हम धीमी गैस पे इसमें इस तरह से स्टिर करते रहेंगे। बहुत ज्यादा भूनना भी नहीं है हमें दानों को। देखिए इस तरह से मैं इसमें कर रही हूँ स्टिर, और धीमी गैस पे दो मिनट के लिए दानों को हमने स्टिर किया। उसके बाद में ये करी पत्ता हम इसमें डालेंगे, और इसी के साथ साथ अच्छी सी कांदा पोहा हम बना रहे हैं, तो प्याज को थोड़ा सा हम ज्यादा डालेंगे इसमें। और इस तरह से ये मैंने देखिए पतला पतला स्लाइस करके डाला हुआ है। अगर आप डाइस करके डालेंगे तो बहुत ज्यादा हमें महीन करके डाइस नहीं करना है प्याज को। और साथ ही साथ ये हरी मिर्च इसमें डाल देंगे, और बहुत ज्यादा प्याज को एकदम गोल्डन या लाइट ब्राउन नहीं, थोड़ा सा दो मिनट के लिए इसको ट्रांसपेरेंट टाइप का, ट्रांसलूसेंट टाइप का हम इसको करेंगे। बहुत ज्यादा हमें नहीं भूनना है प्याज को, हल्का सा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी इसी तरह से करते हुए, तो बस इतना ही हम भूनेंगे। और बहुत ही एक अलग सा फ्लेवर देता है ये पोहा, और महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज्यादा लोग इसको बनाते हैं, पसंद करते हैं। और इसी तरह से देखिए प्याज को मैं इसमें भून रही हूँ बराबर, और बस प्याज को दो तीन मिनट के लिए हल्का सा भूना है। और अभी हमें इसमें क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, कलर अच्छा आ जाएगा उससे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च भी यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो सिर्फ हरी मिर्च के साथ भी इसको बना सकते हैं, और जितना तीखा आपको पसंद हो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। और ये अब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया अपने टेस्ट के हिसाब से, और इन सभी मसालों को डालने के बाद में अभी क्या करना है, ये जो पोहा हमने लिया हुआ था ये देखिए बिल्कुल इतना सूखा सूखा सा, खिला खिला सा इसमें हो गया है, ये हम इसमें डालेंगे। ये सारा पोहा इसमें डालने के बाद में हल्के हाथों से बिल्कुल इसको इस तरह से हमें हिलाना है, बहुत ज्यादा नहीं करना। देखिए दो मिनट के लिए जो हमने रखा था पोहे को, बिल्कुल बढ़िया एकदम हो गया। कितना बढ़िया लग रहा है एकदम देखने में। एक बार मिक्स करने के बाद में अभी हमें इसमें क्या करना, गैस को बिल्कुल हम धीमे कर देंगे यहाँ पे, और इसमें हमें पानी नहीं डालना, बल्कि थोड़ा सा हाथ में पानी लेके, थोड़ा सा हम कहते हैं ना कि छींटा सा हमें मारना है पानी का, इस तरह से हम हाथ में थोड़ा सा पानी लेंगे और इस तरह से इस पे डालेंगे, बस इतना सा हम डाल के, और धीमी गैस पे इसको दो मिनट के लिए बस ढक देंगे, ताकि ये पोहा जो इसमें हमने डाला है थोड़ा अच्छा सा मुलायम सा इसमें हो जाएगा। और पानी का छींटा देखे, दो मिनट बाद हम इसे ओपन कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल बढ़िया एकदम पोहा बनके रेडी हुआ है। तो इसी के साथ में हम क्या करेंगे, ये धनिया पत्ती भी इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा बचा लेते हैं बाद में डालेंगे, और साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें एक नींबू का रस,
अब बस हल्का सा इसको हल्के हाथों से एकदम स्टिर करेंगे। देखिए कितना खिला खिला सा एकदम पोहा बना है। तो फाइनली ये महाराष्ट्रियन जो रेसिपी हमने बनाई है कांदा पोहा, ये बन के बिल्कुल रेडी हो गया। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया कांदा पोहा बन के रेडी हुआ है। बहुत टेस्टी लगता है खाने में, आप इसे जरूर ट्राई करें और बहुत मजा आएगा खा के। एकदम अलग तरह की रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक बहुत ही नई सी टेस्टी सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए बाय बाय।